डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। राहुल गांधी के संसद जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी जिसे आधार बनाते हुए उनके सांसदीय आनन फानन में समाप्त की गई थी। निचली अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से पूछा है कि इस मामले में अधिकतम सजा यानी 2 साल क्यों सुनाई गई। इस अधिकतम सजा के कारण ही एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि जो भी राहुल गांधी ने भाषण के दौरान कहा था वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए देने के बाद राहुल गांधी के पक्ष में 2 सबसे जरूरी बातें होंगी। वह यह, पहली, राहुल गांधी की संसदीय फिर से बहाल होगी और वह मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। दूसरी, अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर यही स्थिति रही तब तक तो। और तीसरी, राहुल को फिर से बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी भवन मिल जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इन बातों पर विचार करेगा। क्या राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं? अगर दोषी हैं तो कितनी सजा होनी चाहिए? वह निर्दोष हैं तो उन्हें बरी किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो या तो 2 साल की पूरी सजा मिलेगी या 2 साल से कम। 2 साल की सजा होने पर उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी और 8 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि 2 साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और वह चुनाव भी लड़ सकेंगे अगर चाहेंगे तो। अगर निर्दोष पाए गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब उनकी सदस्यता कब और कितने दिन में बहाल होगी यह लोकसभा स्पीकर तय करेंगे। इसमें विलंब होने पर राहुल फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।